तो अभी तक मैंने जो YouTube के ऊपर खर्च किए हैं 2.5 लाख रुपए तक खर्च किए हैं, आगे भी होगा इंशाल्लाह ताला। हेलो हाय माय डियर सब्सक्राइबर, दिस इज मोहम्मद फिरोज खान, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल MFK के व्लॉग्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं एक व्लॉगर को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उनके गैजेट्स क्या होते हैं, वो क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं अपने ब्लॉगिंग के लिए। सो आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। ट्राई करूंगा कि अपना पूरा बेस्ट दूं और आप लोगों को दिखाऊं। सो एक एक करके अपने सारे गैजेट्स दिखाएंगे आपको, मेरे सारे इक्विपमेंट्स दिखाएंगे आपको कि मेरे क्या क्या गैजेट्स हैं और ये मुझे कितने के पड़े हैं और मैंने इसे कहाँ से लिया है। सो सब आपको दिखाएंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो, प्रोडक्ट के वन वीडियो चलो। दिस इज कैमरा ट्राइपॉड, निकोन का मेरा कैमरा, इसे मैंने व्लॉगिंग के लिए लिया था, इसे मैंने कुवैत में लिया था। तो ये जो है यहाँ से खुलता है, वेट अकेला वीडियो बनाना पड़ता है, सो सब अकेला ही करना पड़ता है। ये मूव ऑन होता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर होता है और ये यहाँ से निकलता है और ये निकलता है और हम इसे कैमरे के पीछे इसे सेट करते हैं और इसको इसमें डाल के ये एक ओके इसे टाइट कर देंगे, ये बनेगा एक हैंडल केयर। सो हम इसे इससे लेके ऐसे ब्लॉगिंग करते हैं। सो काफ़ी शानदार, काफ़ी लुक, अच्छी लुक आती है एक व्लॉगर की। सो ये ट्राइपॉड मुझे पड़ा था कुवैत में, मैंने इसे लिया था 11K का। सो जो कि इंडिया में काफ़ी सस्ता है, कुवैत में काफ़ी महंगा है। 11K इक्वल टू अगर हम इंडियन मनी से कंपेयर करें तो मुझे लगता है 2 या 2500 के आसपास हो। सेकेंड ट्राइपॉड मेरा ये है, ये 1K का पड़ा था मुझे, ये भी मैंने कुवैत में लिया था। काफ़ी जो लोग पुराने मेरे चैनल पे वो लोग जानते होंगे कि मैंने कुवैत में अपना ये चैनल स्टार्ट किया था, तो सारे ज़्यादातर करके मेरे इक्विपमेंट्स कुवैत के ही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, फ्लेक्सीबल है, 3 लेग्स है इसके, 3 टांग है और ऐसे हम रख सकते हैं कहीं पर भी। ये मेरा सेल्फी स्टिक है, इसे भी मैंने लिया था, इसे भी हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन को इसमें लगा के, अपने फ़ोन को ऐसे पकड़ सकती है। मुझे पड़ा था 2.5K का। फ़ोन लेंस आप देख सकते हैं, इसे भी मैंने कुवैत में लिया था। ये है कैमरा लेंस, तो इसे भी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये इसके ऊपर लगता है, ऐसे लगता है, ये एक लेंस है और इसमें लेंस चेंज करने वाला भी है। सो इसे खोल के हम इसे लगा सकते हैं, इस पर अटैच कर सकते हैं। सो ये मुझे पड़ा था 7K का, आप देख सकते हैं, ये भी एक लेंस है, ये भी फ़ोन लेंस है। हटाया गया इसका, खुल जा सिम, देख सकते हैं आप, ये भी एक लेंस है, देखिए ये लग गया इसमें और इसको भी निकाल देंगे। सो एक शानदार लेंस। सो ये मुझे पड़ा था 25K का कुवैत में, इसे भी मैंने कुवैत में लिया था। मेरे पास इसके बिल थे, मैं आपको दिखा सकता था बट वहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। सो कभी जाएंगे तो शो कर देंगे आप। एक बात और बता दूँ, ये कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ मैं कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, नहीं, एक व्लॉगर का ये कर्तव्य है कि अपनी सारी इक्विपमेंट्स सेटअप अपने सब्सक्राइबर को दिखाए कि क्या क्या गैजेट्स हैं एमएफके के पास। तो मैंने सोचा दिखा देते हैं। आता है मेरा निकोन का DSLR कैमरा, इसे लेने में मुझे धोखा हुआ था। सो उस टाइम मुझे कुछ आइडिया नहीं था, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर जो लोग देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिलेगा और आई बटन पे भी लिंक मिलेगा, आपको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसे मैंने लिया था कुवैत में 140K का, नॉलेज नहीं था उस टाइम मेरे पास, सो मैंने इसे फ्लो फ्लो में ले लिया था। तो आज इसे मैं बस फोटोग्राफी के लिए यूज़ करता हूँ, ना कि ब्लॉगिंग के लिए करता हूँ, बट इसमें माइक सपोर्ट नहीं करता है, क्लैरिटी अच्छी है इसकी, बस इसमें माइक सपोर्ट नहीं करता है। सो मुझसे थोड़ा धोखा हो गया था। आप लोग सोच रहे हो इसमें डायमंड रखा है, इसमें नहीं, दिस इज माइक्रोफोन माइक, वेट आई विल शो यू। ये एक माइक है, वायरलेस माइक, जो कि फोन माइक है, कैमरा माइक नहीं है ये। इसमें 3.5 mm का माइक जैक है और ये इसका हेलो चेक, हेलो। सो ये मुझे पड़ा था शायद 2K का, क्योंकि ये नॉर्मल माइक है, ये भी माइक्रोफोन है। सो इसे भी मैंने कुवैत में लिया था। तो ये बहुत लंबा वायर है, वायर देखिए इसमें कितना है। सो 1 किलोमीटर तक ये जा सकता है मे बी। ये मुझे पड़ा था
25 के का, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, दमदार है इसकी क्वालिटी। आईफोन में ये सपोर्ट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड में सपोर्ट करता है, इसीलिए आईफोन में ये लग नहीं सकता। इसका जैक अलग से लेना पड़ेगा मुझे, जो कि 3,000 या 4,000 का जैक पड़ेगा। ओनली जैक, राइट ग्लव्स, अभी तक मैंने राइड नहीं किया, बट ग्लव्स लिया था मैंने और इसे अभी तक यूज़ भी नहीं किया मैंने, सो सोचा कि दिखा दूँ आपको। तो ये भी एक व्लॉगर को लगता है राइड में, ऐसे नहीं, इनसे तो मिल चुके हैं। दिस इज़ माई चमक चिल्लो, तो इनके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, मेरे चैनल पे है वो भी, अगर आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा आपको, जाओ देख सकते हो। इसकी एडिटिंग, सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग के लिए मैंने इसे लिया था, और एक छोटा सा ड्रीम था कि मुझे मैकबुक एयर लेना है, एप्पल का लैपटॉप लेना है, सो आपने ने ले लिया। ये एक लेंस है, कैमरा लेंस, ये जो लेंस है एक किट लेंस है, इसे किट लेंस बोला जाता है, सो मैं आपको ये लेंस निकाल के दिखाता हूँ। ये जो लेंस था मुझे निकॉन D3400 में मिला था, सो ये लेंस जो है ये किट लेंस है, और ये जो लेंस है ये प्राइम लेंस है। सो इसमें डिफरेंट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ये जो आपको दिख रहा है इसमें जूमिंग और जूम आउट इसमें दिया रहता है, जूमिंग जूम आउट। ये जो लेंस है 18-55mm का लेंस है, ये जो लेंस है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम लेंस, जो कि 50mm का लेंस है, सीरीज 50mm का लेंस है, लेकिन ये जूम इन जूम आउट नहीं होता, ये सिंपल सा लेंस है, इसे बस हम ब्लर एडजस्ट कर सकते हैं, और मैनुअल और ऑटो फोकस में ये काम आता है, और ये जूम इन जूम आउट नहीं करता। सो इसे इसलिए मैंने लिया था, और ये मुझे पड़ा था 35 kg का क्वेत में, कैलकुलेट MFKs 1, 2 होड़ होड़ दबांग 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 3 वाले झाल रो, थोड़ा स्मार्ट बन जाओ, सिंपल गोगल। एंड मेरे पास दो स्मार्टफोन है, रेडमी नोट 5 प्रो, आईफोन 11 जिससे अभी शूट हो रहा है आज, जो कि ये है मेरा हिलटुआ, इस पर मैंने 4K स्टेबलाइजेशन कैमरा लगाया हुआ है, ये मोटो व्लॉगिंग के लिए भी आता है, ये भी एक ब्लॉगर के लिए आवश्यक जरूरी इम्पोर्टेंट है, और उस कैमरे के कुछ पात्र भी हैं जिनको हम दिखाना चाहेंगे, दिखाना जरूरी इसमें है और बहुत सारे हैं, तो इसे बस मन के तो दिखा, आप लोग देख सकते हो बिना लेंस के ये कैमरा कैसा लगता है, एक डब्बा डब्बा है ये डब्बा, MFK का कैमरा डब्बा। सो MFKs कैसा लगा आपको मेरे सेटअप, व्लॉगिंग के सेटअप कैसे लगे, टेल मी समथिंग इन बिलो कमेंट में, कुछ तो आप कहो कि आपको कैसा लगा हमारे ये सेटअप, और पूरा का पूरा जो ये मेरा सेटअप है ये मुझे पड़ा है, अभी तक मैंने यूट्यूब के ऊपर खर्चा किया है, सो कैलकुलेट करके बताऊं आपको तो पूरा का पूरा 2.5 lakh rupees ओनली फॉर यूट्यूब मैंने अभी तक खर्च किया है अपने फ़ोन को लेकर। मैंने इसे जो आईफोन 11 मैंने लिया है इसे भी यूट्यूब के लिए लिया था, क्योंकि इसकी कैमरे क्वालिटी जो आपको दिख रही है अभी ये आईफोन 11 से ही शूट हो रहा है। सो आईफोन 11 एंड माई चमक चलो, और दिस ऑल ऑफ दिस ओनली फॉर यूट्यूब माई ड्रीम। ये थी कुछ हमारी ऊपर और नीचे की कहानी, तो मुझे आशा मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई सोबाजी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे MFKs को ये बतानी है कि हमारे पास इतना गैजेट्स है, और एक ब्लॉगर को इन चीज़ों की आवश्यक होती है। तो लोग हमारे शरीफ भाई के चैनल से आए हैं वो लोग तो एक जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को हमारे चैनल पे आके कैसा लग रहा है, कैसी लगी हमारी वीडियोस आपको, क्योंकि जो जंप हुआ है ना सडनली हमारे सब्सक्राइबरों का, आई एम हैप्पी, हम 1K के करीब आ चुके हैं, बहुत करीब, ये है 1K और ये है MFK। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पे, और उम्मीद करता हूँ कि शरीफ भाई के साथ जल्द से जल्द हम वीडियो बनाएं और आप लोगों को दिखाएं, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, सो जल्द ही जल्द जल्द से जल्द
हम लोग मिलने वाले हैं और एक वीडियो बनाने वाले हैं। सो मैं बैठे कर खुदा हाफिज, रब रखा, और अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, बाहर ज़्यादा ना निकले, स्टे होम, स्टे हैप्पी। बाय, बैठे कर खुदा हाफिज, रब रखा।